यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन से बाहर किए जाने के बाद कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। प्रियंका गांधी को सियासी मैदान में उतारकर कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक से बदले सियासी समीकरण के बाद एक बार फिर से कांग्रेस के एसपी बीएसपी गठबंधन में शामिल होने के कयास लगाए जाने लगे। लेकिन मायावती ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस संग कोई गठबंधन नहीं करेगी, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि कांग्रेस से मायावती की नाराजगी की असली वजह क्या है। क्या अमेठी और रायबरेली से भी उम्मीदवार उतारेगी बीएसपी? दरअसल गठबंधन का ऐलान करते वक्त मायावती और अखिलेश ने तय किया था कि वे रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ेंगे, यानी गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार इन दोनों सीटों पर नहीं लड़ेगा। लेकिन मायावती के रुख से अब सबकी नज़र अमेठी और रायबरेली सीट पर जा टिकी है। मायावती की ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मायावती के पूर्व सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नेतराम के दिल्ली और लखनऊ परिसरों में छापा मारकर तलाशी ली। साल 1989 बैच के यूपी काडर के अधिकारी नेतराम मायावती के सीएम रहते कई शीर्ष पदों पर काम कर चुके हैं। वो साल 2002 से 2003 में माया के सचिव भी रहे। बताया जाता है कि ये छापेमारी 90 करोड़ रुपए मूल्य के फर्जी लेनदेन या कारोबार में कथित कर चोरी के मामले में की गई है। सियासी जानकार मायावती के बयान और इस छापेमारी के बीच का सियासी कनेक्शन तलाशने में जुट गए हैं। जानकारों की माने तो नेतराम के ठिकानों पर हुई छापेमारी की आंच मायावती तक पहुँच सकती है। ऐसे में कांग्रेस से अलग होकर मायावती खुद को बचाए रखना चाहती है। जानकारों के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीएसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन इसी तरह के कुछ घटनाक्रम के बाद दोनों दलों ने अपनी राहें अलग कर ली। हालांकि मायावती का बयान सामने आते ही कांग्रेस ने भी दबाव दिया। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा में जिनकी एक भी सीट नहीं है वो कैसे तय कर सकती है कि कांग्रेस के साथ आना है या नहीं। हम अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम गठबंधन नहीं चाहते, हम उनकी जरूरत नहीं है। कांग्रेस के बारे में बोलने के बजाय मायावती पहले एसपी के साथ अपने गठबंधन पर ध्यान दे जो टूट रहा है। 15 से 20 दिन इंतजार कीजिए और देखिए क्या क्या होता है। जाहिर है दोनों दलों में अचानक आई इस तल्खी का असर आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मायावती अमेठी रायबरेली से उम्मीदवार उतारती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।